अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुन्नत शरीयत मीडिया के नाज़रीन और सामईन को ये इत्तला देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज से एक डेढ़ महीना पहले हमने हमारे चैनल पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें कुरान क्विज़ मुसाबक़े के सिलसिले में ऐलान डाला था और बतलाया था कि पूरे ज़िले लातूर से 9 साल से 13 साल तक की उम्र के मकतब के बच्चे और बच्चियाँ उसमें हिस्सा ले सकते हैं, जिसका पहला राउंड 8 सेप्टेम्बर को होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 सेप्टेम्बर बरोज इतवार 2024 को पहला राउंड मुकम्मल हुआ, जिसमें पूरे ज़िले लातूर से 1650 तलबा और तालिबात की तरफ से दरख्वास्तें आई थी और तकरीबन इन्हीं इतने ही बच्चों ने इस मुसाबक़े में शिरकत करके आज पहले राउंड में जो है अपने मेहनतों का मुजाहरा किया है। इंशाल्लाह जल्द ही इसका रिज़ल्ट सामने आएगा, जिसमें से दूसरे राउंड के लिए सिर्फ 46 बच्चों को मुंतखब किया जाएगा, चुना जाएगा। हर हर सेंटर और हर शहर से चंद चंद आला नंबरात से कामयाब होने वाले बच्चों को मुंतखब किया जाएगा और 22 सितंबर को उनका दूसरा और फाइनल राउंड होगा। जमात 5 टॉप बच्चों को मुंतखब किया जाएगा और 5 इनामात के मुस्तहिक होंगे, जिसकी तफसीलात जो है पिछली वीडियो में बतलाई जा चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लातूर शहर में 4 जोन रैनापुर, नलेगांव, निलंगा, उदगीर, औसा और देवनी, इतने मकाम पर आज मुसाबका हुआ, जिनके तस्वीर आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। और माशाल्लाह बच्चों ने बड़े शौक और ज़ौक के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस मुसाबक़े में। जिन हजरात ने मेहनतें की हैं, हम सुन्नत शरीयत मीडिया के तरफ से उन तमाम मेहनत करने वाले असातिज़ा वालिदैन का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में आपको इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए। और उन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने इस मुसाबक़े में माशाल्लाह हिस्सा लिया, उसके लिए मेहनतें की और जो है अपने आप को इस मुसाबक़े के लिए तैयार किया। बच्चे भी काबिल मुबारकबाद हैं और वालिदैन और असातिज़ा जो काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को और इस मुसाबक़े को कामयाब करने में जो है मदद की है। अल्लाह ताला तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए और ये जो उलमाए किराम मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन मेहनतों को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।